नाजरीन, वेलकम टू लाइव वायर सेगमेंट जो कि अली नासिर होस्ट करता है, यानी मी माई सेल्फ। और आज का जो हमारा सेक्टर होगा वो होगा जनाबे वाला सीमेंट सेक्टर। आज हमारे मेहमान होंगे जनाब बदर फखरी साहब, सीईओ गालादारी सीमेंट। वेलकम करूंगा सर आपको शो में। आज मेरे जहन में मौजू तो यही था कि सीमेंट सेक्टर की कुछ कॉस्ट साइड के बारे में बात करूं, लेकिन कुछ अखबार में हम खबर देखी मैंने और प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे भी बात हुई कि पिछले माह कुछ सीमेंट की जो सेल्स हैं उन पर फ़र्क कोई नहीं पड़ा, तो यानी ढंडोरा तो हमने बहुत पीटा, तो मतलब ये मामला तो वही हो गया जो पानामा का फैसला हुआ, वही सीमेंट सेक्टर का रिज़ल्ट आ गया। नहीं नहीं, उसकी वजह ये थी कि अप्रैल के महीने में बारिशें नहीं होती, इस मरतबा मौसम की तब्दीली की वजह से वहाँ बारिशें हुई। अच्छा, पंजाब के खासे। जी 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 जी। तो उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो हुई, लेकिन ऐसा कराची साइड पे नहीं हुआ है जी, सिंध में ऐसा नहीं हुआ है। तो आई एम श्योर कि जो कमी वहाँ हुई है मई जून में, जो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से बेस्ट मंथ्स होते हैं। जी जी, दिन बड़ा होता है, बारिश नहीं होती, और उसकी वजह से वहाँ पे सीमेंट की कंजम्पशन हमेशा तारीखी तौर पे मई जून में ज़्यादा होती है। कराची वालों को तो बेचारों को पता ही नहीं लगा, इस्लामाबाद का तो ऐसा मौसम खुशगवार हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चली। यस, लाहौर में पिछले हफ्तों में बारिश भी हुई और अच्छा वहाँ का, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कराची की शामें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मौसम के लिहाज से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपके सामने और रखता जाऊँ, दरअसल बारिशों के बारे में थोड़ा बहुत ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से रहा, तो ये है कि अमूमन हम बारिशों के मौसम का इंतज़ार किया करते थे कि भाई बारिशों का मौसम आने वाला है तो अब इंतज़ार करें, जैसे आपने सही कहा कि मई जून के अंदर थोड़ा स्पेड वर्क वगैरह कर लें, छतें जो हैं वो बारिशों के मौसम में ही डालें, क्योंकि फिर ऑटोमेटिक क्योरिंग हो जाती है, यानी कि तराई जिसे कहते हैं, क्योंकि चाहे सीमेंट का कोई भी काम किया जाए अगर तराई ना की जाए तो वो ज़ाया है, विदाउट क्योरिंग इट इज़ वेस्ट, उसकी स्ट्रेंथ जो है ना बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और समझें आपके, मैंने देखा है बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि क्योरिंग सही नहीं की जाती, पानी के चंद रुपयों की बचत की खातिर फिर सीमेंट को ब्लेम करते हैं या कंस्ट्रक्शन को ब्लेम करते हैं, ये एक बहुत बड़ी एक सीमेंट में क्वालिटी चेक करने के लिए इसको चेक किया जाता है कि 3 दिन में कितनी स्ट्रेंथ हुई। जी जी, 7 दिन के बाद कितनी हुई। जी जी, फिर 28 दिन के बाद कितनी हुई। जी जी, ये एक तरीकाकार है। तो क्योरिंग जो है ना बेस्ट होगी अगर आप 28 रोज तक करें, 28 रोज तक करते रहें दवा दूर से, है ना जी। लेकिन पहले 2-3 रोज तो कहते हैं कि जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो ये है कि मतलब ये कि देयर इज अ साइंटिफिक सिस्टम जो कि प्रोग्राम की इतनी मतलब ये कि ड्यूरेशन नहीं है, क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए जो 28 डेज के बाद क्योरिंग के बाद की जो स्ट्रेंथ है ना, हाँ हाँ, उससे कंपैरिजन किया जाता है। पर्पस इज दैट बाय क्योरिंग यू एक्चुअली गिव मोर स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली, एंड इवेंचुअली थ्रू टाइम जस्ट लाइक चीज एंड अ फ्यू अदर थिंग्स जो है वो इसके निखार इसके पैदा होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा पता लगती है। लेकिन अच्छा, ये तो आपने बताया जैसे आइडियली ये तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली इफेक्ट होती है, क्योंकि जहरी बात है जब बारिश बीच में हो जाए कंस्ट्रक्शन के तो फिर तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू द कंस्ट्रक्शन। दीज मंथ्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि रमज़ान के अंदर लोग एक्सपेक्ट करते हैं स्लो डाउन, लेकिन लोग अमूमन छतें जो हैं मैंने ये देखा है रमज़ान में डालते हैं, ताकि जो ये जो मीठी ईद होती है इस पर रिश्तेदारों को जलाया जा सके या माजरत के साथ दिखाया जा सके कि साहब हमने नया कंस्ट्रक्शन का काम किया है, घरों को अपने सजाते हैं, नई गाड़ी ख़रीदते हैं, इसी तरह घर का जो रेनोवेशन का काम होता है वो भी इसमें होता है। तो डू यू एक्सपेक्ट द डिमांड टू गो अप दिस टाइम, बिकॉज द हीट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिवियर इन दिस रमज़ान। देखिए, बात यह है कि इस हीट में जो काम करने वाले हैं वो बेचारे ऐसे हैं कि वो किसी भी दिहाड़ी उनकी टूटनी नहीं चाहिए, तो लिहाजा आई डोंट थिंक इसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा, डिमांड पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि डिमांड मेरे ख्याल थोड़ी सी हमेशा मई जून में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। ये बात तो है, ये दिन भी बड़ा होता है, दिन बड़ा होता है, बारिश भी नहीं होती है। जी जी जी। अच्छा, ये पसे मंज़र के अंदर यहाँ पर एक और चीज़ आपके सामने पेश करता जाऊँ,
बात यह है कि इस तमाम सीमेंट की जो इंडस्ट्री एक्सपेंशन की बातें कर रही है, कोई बोल रही सब इतने हम मेट्रिक टन बढ़ा देंगे, वो बोला हम इतने मेट्रिक टन बढ़ा देंगे, लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो तो सिर्फ आप जोड़ रहे हैं सीपेक के साथ। अब तक की बात यह है कि अंपायरों का कुछ कह नहीं सकते, किस दिन उंगली उठे किस दिन ना उठे। चाइना के मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसके साथ मुस्तकबिल में रवाबित मजबूत तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन सीपेक के लिहाज से माशी जो कोऑपरेशन होगी वो कितनी रहेगी। तो मेरा तो ख्याल है कि ये सप्लाई साइड एक ग्लट क्रिएट कर देंगे हम अगर हम एक्सपेंड करेंगे आंखें बंद करके। देखें, सीपेक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना को है जी, हमें अभी पता नहीं है लेकिन हमें यकीनन इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना चाइना को होगा। तो मेरे इस ख्याल में तो हमें रहना मुतमईन रहना चाहिए कि चाइना जो है वो इसके टेम्पो को टूटने नहीं देगा। और यू नो चाइना के अन्य जो तरक्की की है पिछले 25-30 सालों के अंदर वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। अभी आज ही मैं सुबह में देख रहा था कि चाइना वाली ही एक ज़राए अबलाग के इदारे ने तुर्की के अंदर जो अनकरा से लेकर शायद गालिबा इस्तंबुल तक वन बेल्ट वन रोड, असल में वो ओबोर है, हम लोग जो हैं वो इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं जिसका सेकेंडरी या टर्शरी स्टेटस है, यानी हम थर्ड ग्रेड सिटीज़न हैं अगर पूरे ओबोर की बात की जाए। ओबोर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत मैसिव है, उसमें चाइना की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और अपनी इन्वेस्टमेंट शामिल है। अब दे आर डूइंग द वन बेल्ट वन रोड, दिल से कर रहे हैं, हमारे साथ जो कर रहे हैं उसमें हम ही लगे हुए, खुद ही खुश हुए जा रहे हैं। हमें शायराना तौर पर इसका पेश नहीं कर सकता, लेकिन एक तरफा मोहब्बत लग रही मुझे ये। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितना हमसे ज़्यादा मेरा ख्याल एक्साइटेड चाइना है। रियली अबाउट दिस प्रोजेक्ट? बिल्कुल सही है। देखें, चाइना जो ओल्ड सिल्क रूट को इस्तेमाल कर रहा है जी, रेलवे से आप इतनी ज़्यादा शिपिंग नहीं कर सकते जितनी के आप बाई रोड और फिर उसके बाद शिप को इस्तेमाल करें। आपको अफ्रीका जाना हो, आप कहाँ से जाएंगे? आइडियली तो उनको यहीं से जाना चाहिए। एग्जैक्टली और एंशियंट सिल्क रूट भी यही है। एग्जैक्टली बल्कि एंशियंट रूट जो आपके साथ, क्योंकि आप तो तारीखदान भी हैं एक तरह के, इस हिसाब से कि आप मुताला काफ़ी करते रहते हैं, तो मैंने उसमें पढ़ा था कि तारीखी जो रूट है दैट यूज़ टू रन थ्रू मुल्तान राइट अप टू वाराणसी, यानी कि जिसे जदीद दौर में बनारस कहते हैं, तो ये ट्रेडिशनल रूट था। फिर दूसरा जो सिल्क रूट है ये आके टर्मिनेट होता था कराची के पास, गवादर नहीं जाता था ये कराची से कुछ पहले हुआ करता था, शायद तब ज्योग्राफी थोड़ी सी फ़र्क हो, वहाँ पर आकर ये ख़त्म हुआ करता था एक सिरा इसका। तो तारीखी, और इट यूज़ टू रन थ्रू द हार्ट लैंड ऑफ पंजाब एंड डिड नॉट गो थ्रू बलूचिस्तान विद ऑल ड्यू अपोलॉजी। सिल्क रूट जो है वो आपको एक नहीं है, उसकी बहुत मल्टीपल है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं बहुत सारी, एक सिरा है से एक ये होगा। यस, एक सिरा ये तारीखी तौर पर मैंने देखा, थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में, सिल्क रूट के बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। अब ये कहते हैं साहब सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी सीपेक के अंदर, तो अभी तक के तो मैंने कुछ देखा नहीं इसमें, तो मेरा जहन तो कन्फ्यूज़ हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं। नहीं नहीं, सीमेंट की जो डिमांड है ना, ये मुख्तलिफ महीनों में फ़र्क आता है, 9%, 11%, 8%, लेकिन ऑन एवरेज जब ये मंसूबे अपने उस पर आएंगे ना, मैच्योरिटी स्टेज पे, मैच्योरिटी से बहुत पहले, अच्छा मैच्योरिटी पे, तो उस इसमें जो है 15% एक्सपेक्ट किया जाता है, ये एक एस्टिमेट है, हर साल 15% की ग्रोथ आएगी सिर्फ सीमेंट सेक्टर के अंदर ड्यू टू सीपेक। यस, इफ थिंग्स गो एज वी आर एज प्लान्ड एज बीइंग विजुअलाइज्ड। अच्छा, आर यू वेरी श्योर, एक और इसी के साथ एक और चीज़ जोड़ते हैं, आर यू वेरी श्योर दे आर सेइंग दे आर गोइंग टू ओपन द इस्लामाबाद एयरपोर्ट होपफुली दिस ईयर और द नेक्स्ट ईयर, तलागंग वाला जो है, आई डोंट नो दे आर शोइंग द इंटीरियर ऑफ दैट और मे बी दे आर शोइंग अ न्यू एयरपोर्ट विद इन द एग्जिस्टिंग वन, आई डोंट नो, दे आर शेयरिंग द पिक्चर्स। नया एयरपोर्ट तो बनाया है इन्होंने, हाँ बिल्कुल अलग है वो, हाँ काफ़ी दूर है, फास्ट दूर है, हाँ हाँ। तो डू यू थिंक इट हैज़ बूस्टेड सो मच डिमांड, बिकॉज इफ द रनवे वॉज टू बी मेड, इट्स ऑलरेडी मेड, वॉट पिक्चर्स आई हैव सीन, आई एम नॉट रियली श्योर, बट वॉट हाउ मच सीमेंट हैव दे कंज्यूम्ड? आई डोंट नो द फिगर्स, लेकिन डेफिनेटली अच्छी क्वांटिटी इस्तेमाल हुई होगी, बट दैट इज़ वन थिंग, जब आपके यहाँ ग्रोथ आएगी ना तो आप देखिएगा चेंजेस होंगे, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, हु वुड बी द मेजर कंज्यूमर ऑफ सीमेंट इन पाकिस्तान? पीपल हैव आई हैव सीन मैनी ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स दैट सम पीपल बिलीव दैट बिकॉज ऑफ PSDP गवर्नमेंट ऑल्सो कंज्यूम्स ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ सीमेंट,
डू फील द डिस्पैचेस द नंबर्स फॉर दिस आर नॉट अवेलेबल आई एम टेलिंग यू. मैंने पूछा बहुत सारे एनालिस्ट को, उनके पास नंबर्स नहीं है कि गवर्नमेंट कितने कंज्यूम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर कितना कंज्यूम कर रहा है. हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जो डेटा है ना, ये मिलता ही नहीं है. मिल भी जाए तो रिलायबिलिटी के इश्यूज होते हैं. ये ज़रूर है कि अगर मुल्क में खुशहाली आएगी तो लोग जो हैं उनकी सबसे पहली जो प्रेफरेंस होती है ना, वो अपना मकान. अपना मकान होता है. तो इस वजह से ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि मुल्क में खुशहाली आए. कुछ लोगों का अप्रिहेंशन ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा जो जूस है सी पैक का वो चाइना चला जाए और हमारे हाथों में कुछ ना आए. ऐसा ही होगा, मैं आपको बता. मैं समझता हूँ चाइना ऐसा इसलिए नहीं करेगा कि लॉन्ग टर्म जो चीज़ें सरवाइव करती हैं ना, उस वक्त करती हैं जब कहीं नाइंसाफ़ी ना हो रही हो. अगर वो देखेंगे कि पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचता सी पैक से, तो उनको प्रॉब्लम्स पेश आएंगी. तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए वो चाहेंगे कि यहाँ के लोगों की भी खुशहाली होनी चाहिए. बट देन वी आर रिलाइंग ऑन देयर बेनेवोलेंस रादर देन आवर इंटेलिजेंस. ये बड़ा अहम चीज़ है ना. उसी तौर पे तो पाकिस्तान के हिस्से में क्या आएगा इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था. होना चाहिए था, इस पे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी. सर अभी तक के तो बात ये है कि हमारे एनालिस्ट प्रोग्राम में कहते हैं कि चाइना वालों ने तो शायद ये बातें की हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए सीमेंट हम खुद प्रोक्योर करेंगे. बस जाहिर बात है, अगर आप ठेकेदार को लेकर आए हैं और उससे आप क्वालिटी की ये गारंटी मांग रहे हैं, तो वो हो सकता है वो कह के जी मटेरियल मेरे हवाले करें. सर कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार का काम विद और विदाउट मटेरियल होता है. देखिए एक बात है, जो हिस्सा है ना जिसके अंदर के बहुत पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर चाइना के अपने जो सीमेंट के कारखाने हैं वो फिजिबल होंगे. जो जीबी वगैरह के पास हैं, जीबी कश्मीर से गुजरता है, बहुत ऊपर के इलाके हैं ना, जहाँ 20,000-22,000 फिट की बुलंदी के ऊपर हैं. लेकिन जो उसके बाद का एरिया है वहाँ पे हमारे जो हैं वो ज़्यादा फिजिबल होंगे. अच्छा, कॉस्ट वाइज आप बोल रहे हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट भी उसका देखना बहुत ज़रूरी है. एग्जैक्टली. बिकॉज चाइना के सीमेंट में आपको मैं बताऊँ, सम हाउ क्वालिटी के इशूज रहे हैं. उनकी हर चीज़ में ही सर क्वालिटी के इशू रहते हैं. लोग तो मजाक करते हैं. लोग तो अमूमन पाकिस्तान में किसी दो नंबर चीज़ को कहना होता है तो कहते हैं कि चाइना की चीज़ है. लेकिन चाइना हैज़ वेरी गुड क्वालिटी फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे सेंड टू यूरोप और डेवलप्ड कंट्रीज. तो अच्छी क्वालिटी के लिए उनका जो सीमेंट है ना उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी. ओह यस, यहाँ पर आपने इशू को एड्रेस कर दिया. तो मैं नहीं समझता कि वो अपनी सीमेंट वहाँ से ऑल दी वे लेकर आएंगे यहाँ पे. मतलब एक डेफिनेटली वी हैव टू गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव बिकॉज पीपल वर स्केयर्ड, दे गेट वेरी नेगेटिव, तो वो सोचना शुरू कर देते बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो जाएगा सिचुएशन, सारा का सारा चाइना का सीमेंट आ जाएगा. मैं उन लोगों का विजन कैसा है. एक कापा की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं शिरकत के लिए गया था जब मैं साफा का प्रेसिडेंट होता था. तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस के बाद रात में जो डिनर के लिए इन्वाइट किया, उसमें उन्होंने कहा कि जी आपके लोगों के नाम की प्लेट हर टेबल के ऊपर है, आप लोग प्लीज़ वहाँ बैठिएगा. उन्होंने ये इंश्योर किया कि हर टेबल पे किसी एक मुल्क के दो लोग ना बैठे हों, सिर्फ एक शख्स. डाइवर्सिटी हो. जी जी. तो इन अदर वर्ड्स वो इतनी छोटी छोटी बारीकियों का भी ख्याल रखते हैं. बिल्कुल ख्याल रखते हैं, ये सोच और फिक्र का एक मयार है उनका. वरना आम तौर पर क्या होता है, पाकिस्तानी एक जगह बैठ गए, इंडियंस दूसरी जगह बैठ गए. हाँ, तो ग्रुपबंदी रुकवा दी उन्होंने. बस आपकी दुआ कबूल हो इस हिसाब से, क्योंकि आज यौम आज़ादी सहाफत भी है और मीडिया में भी इसी तरह ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए सहाफ़ियों के दरमियान. इस पैगाम के साथ अगला सवाल आपसे पूछता हूँ. बात ये, अब मेरे जहन में जो मुझे जिस चीज़ ने उलझन में डाल दी है, अब उलझन में इस चीज़ ने डाल दिया है कि अब हमने बहुत ज़्यादा कैपेसिटी अपनी बढ़ाने के बारे में बातें शुरू कर दी. आई डोंट नो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स कितने पॉजिटिव है, क्योंकि पहले तो आपको पता है 9/11 पर हमारी किस्मत खुली, किसी की किस्मत बर्बाद हुई, किसी की तकदीर ख़राब हुई, हमारी किस्मत बन गई. हमें फ़ायदा ये हुआ कि इराक के बहुत सारे ठेके हमें मिले, हमें अफगानिस्तान के बहुत ठेके मिले. अब अफगानिस्तान से हमने ताल्लुकात ख़राब कर लिए, इराक में कोई और आके बैठ गया, हमारे नंबर चले गए, ईरान से हमारी वैसे नहीं बन रही. और इस कन्फ्यूजन के अंदर अब हमारे पास एक्सपोर्ट मार्केट बची कौन सी, मुझे पहले ये बताएं हमारे पास एक्सपोर्ट मार्केट कौन सी है. मैं एक बात बताऊं आपको कि इंडिया के अंदर लाइमस्टोन डिपॉजिट्स बहुत तेज़ी से इरोड हो रहे हैं. अच्छा, तो डिप्लीशन वहाँ पे शुरू है.
तो वहाँ पे पाकिस्तानी सीमेंट इंडिया एक्सपोर्ट होगा, अब नहीं, इट मे टेक अबाउट 15 years. सर ये दूर अंदेशी है ना बात. बट आई हैव हर्ड दैट देयर आर लाइमस्टोन डिपॉजिट्स इन अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो, स्पेशली द गोल्डन ट्राइंगल. आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, एंड इंडिया हैज़ एक्सेस टू देम. सो सम पीपल इन सीमेंट टोल्ड मी कि इंडियन पंजाब में, मे बी यूपी और कुछ एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर तो ज़रूर पाकिस्तानी सीमेंट जा पाएगा, लेकिन उसके अलावा दूसरी जो डायरेक्शन है यानी फ्रॉम द ईस्ट, वहाँ पे हो सकता है उनके डिस्पैचेस ज़्यादा बढ़ें, ऐसा दुरुस्त है? मुझे इतनी डिटेल्स में तो इल्म नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बताऊँ, आइंदा 4-5 साल में आप देखेंगे इंडिया में नए सीमेंट प्लांट लगना बंद हो जाएंगे, एक्सपेंशन होना बंद हो जाएगी. तो जिंदाल इसी सिलसिले में तो नहीं है? नो कमेंट्स. मतलब ये कि मेरे जहन में ये है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन लाजमी है. मैं आपको सच बताऊं बात, ये ताल्लुकात अपनी जगह हैं. देखिए ये इकोनॉमिक रिलेशन, ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द में जो लोग हैं, आवाम हैं, वो बेहतर होते जा रहे हैं. हमारे यहाँ 3 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, कितने दुख की बात. वेरी सैड. हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन इतनी ज़्यादा है कि अभी कैनेडा का एक रोटरी क्लब है, वहाँ एक पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के बच्चे जो हैं उनको पोलियो के जो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं उनको डबल डोज की ज़रूरत होती है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन इतनी ज़्यादा है कि जो आम साइकिल लगते हैं उनमें बच्चे के ऊपर वो बचाव नहीं होता पोलियो से, उनको डबल डोज देना होती है ये बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन. तो वो हमारा ख्याल करते हुए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि पाकिस्तान में पीनट बटर के अंदर 9 अज्जा ऐसे डाले जाएं कि पाकिस्तान में माल न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाए. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर बिलफर्ज, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की एक रिफ्लेक्शन यही होती है पक्के घर. तो अब पक्के घर की डिमांड अगर बढ़ती है हमारे रीजन के अंदर, तो साहब सीमेंट की भी डिमांड बढ़नी चाहिए. मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, मदर वो मौजू आपका बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करूँ मैं मजबूर हूँ सीमेंट सेक्टर पे बात करने के लिए. तो अब बात ये कि हम उन मुल्कों में से हैं जहाँ पे सीमेंट कंजम्पशन के जो रेशो है वो बहुत लोअर लेवल पे है, विच मीन्स के इस मुल्क में जो मकान होने चाहिए पक्के जितने, वो नहीं है, वो उतने नहीं है. अच्छा एक सवाल आपसे मैंने करना पड़ा, हाँ मैं सोच के बैठा था भाई, पाकिस्तान के अंदर प्री फैब्रिकेटेड कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन उनको उस तरह से बुरे कार लाकर पुअर या जो हमारे मुल्क के अंदर मुतवस्सित तबके के लोग हैं उनके लिए घर नहीं बना रहे. लोग हमारे पता नहीं क्यों सीमेंट गारे से मोहब्बत करते हैं, उनको अच्छा लगता है ये सीमेंट गारा उनकी दीवारों पे लग रहा है, जब आपके पास प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट्स मौजूद हैं आप उनको जोड़े मकान बना लें, क्यों बिला वजह ये सीमेंट गारा और ब्लॉक ज़रूर ला के गंद फैलाना है? नहीं, उसका फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर है. प्री फैब प्लांट्स जो आप लगाएंगे उनकी कैपिटल कॉस्ट काफ़ी आती है, उसकी जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उनकी कीमत ज़्यादा होगी. ज़्यादा होगी, हमारे यहाँ लेबर सस्ती है. ओके तो वो लेबर से वो काम लेंगे जो सस्ता पड़ेगा. प्री फैब वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स बन रही हों जहाँ पे कॉस्ट इज़ नॉट द कंसिडरेशन. मेरे जहन में असल में बात ये थी कि जैसे मैं आपके सामने एक बयान करता हूँ, थोड़ा बहुत हमने इस चीज़ को देखा. अब यह कि हमारे यहाँ तो आपको पता है इतने बड़े घर भी नहीं होते, यहाँ तो पूरी पूरी छतें फैब्रिकेट की जा सकती हैं, मेरा ऐसा ख्याल है. अच्छा ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत छोटे घर बनाते हैं, चंद मरले के ऊपर पंजाब में घर बनता है पक्का, आप जानते होंगे लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी इतनी है नहीं. ईंटों से घर आज भी बन रहे हैं, ईंटों का सीमेंट सेक्टर को कोई फ़ायदा नहीं है. ये जो ब्लॉक, लेकिन जो ईंटें हैं ना उनके अंदर भी सीमेंट बहरहाल दरमियान में इस्तेमाल होता है ताकि ईंटों में बाकी पानी जो है ना वो नीचे से टपके ना. अच्छा यहाँ पर जो ब्लॉक कराची शहर में, अब लाहौर में भी शुरू हो गया है, ये तो सीमेंट के ब्लॉक हैं, लेकिन इनका कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है मैं आपको बताऊँ. और जो कॉन्क्रीट प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो बहुत महंगा बनाते हैं, तो कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए कि ये थल्ले वाले भी जो हैं कोई स्टैंडर्डाइज हो जाए वेयर दी सीमेंट ब्लॉक्स आर सोल्ड, बिकॉज दे आर यूजिंग लेस सीमेंट. सीमेंट की मैं आपको बताऊँ, वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर्स अगर आप ठेकेदारों से पूछें, द पीपल हु आर बाइंग दम और कॉन्ट्रैक्टर्स और पीपल हु आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल टेल यू के थल्ले वाले और ये जो स्लैब वगैरह बनाने वाले लोग हैं ये बहुत खरीदते हैं सीमेंट कराची शहर के अंदर. इट्स अ ह्यूज सिटी, यू नो.
तो आपके ख्याल से इसको स्टैंडर्डाइज करने के बजट बिचारों के बहुत कम हैं तो वो शायद ऐसा इस्तेमाल कर लेते होंगे जो सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड। हाँ, लेकिन एक आम ख्याल हमारे यहाँ ये भी है कि जी मकान एक ही दफ़ा बनता है, एक ही दफ़ा बनता है तो लिहाजा अच्छी चीज़ ख़रीदनी है। बल्कि मुझे तो चंद लोगों ने ये भी बताया कि वो जो सीमेंट काले रंग का होता है ना, वो ब्रांड में नहीं लेता नाम, मैंने कहा साहब जो काले रंग वाला होता है वो हम लेते क्योंकि वो तेज ज़्यादा होता है। अब पता नहीं ये बात सही है या गलत है, लेकिन मेरे ख्याल रंगत तो बाद में भी ऐड की जा सकती है। तो हमें तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे बताया कि कंक्रीट के अंदर तो बाकायदा आजकल रंग वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि फेयर फेस कंक्रीट जहाँ इस्तेमाल, ये तो मकान की बात कर रहे हैं, ये तो दवाओं के अंदर नकल हो रही है, आपके दूध में हो रही है, हर चीज़ लिमिट क्रॉस कर गई, देर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट। इतनी और बल्कि मैंने आपसे तीन चार चीज़ें और भी पूछनी थी बड़ी अहम। एक, मैं ये देखता हूँ कि डिस्पाइट गुड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स हियर इन पाकिस्तान, एक ये कभी सीपेज नहीं रोक पाए, दूसरा ये कभी प्लम्बिंग सही नहीं कर पाए, और तीसरा पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी बेसमेंट नहीं देखी आज तक के जिसके अंदर पानी ना आया हो, सेम ना आया हो। मुमकिन है कोई एक आदि कोई मुझे मिसाल दे दे, आज भी इतने सालों के बाद, इतने साल पाकिस्तान को बने हो गए, इतनी सीमेंट फैक्ट्रियां बन गई, इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आ गए, लेकिन कोई बेसमेंट ऐसी नहीं दिखी ख़ास तौर पे साहली इलाकों के अंदर जहाँ पे सेम ना आती हो। पता नहीं क्या मसला, एक तो इस्तेमाल सही नहीं करते, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है नहीं इस्तेमाल करें, समुंदर के पास सल्फर रेजिस्टेंट इस्तेमाल कर, मेरे ख्याल से सल्फर ही करते हैं, सल्फर करते हैं, लेकिन मुमकिन है कि वो बास ठेकेदार कम क्वांटिटी यूज़ करते हों। लेकिन आपने देखा होगा कि कराची में जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सब के अंदर जो बाथरूम्स हैं उनसे इतनी ज़्यादा सीपेज होती है। ओह यस, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वो जो इस्तेमाल करते हैं ना, पाइप्स एंड फिटिंग्स, वो बहुत ख़राब है। पुअर वर्कमैनशिप ऑल्सो एंड यस द पुअर क्वालिटी। बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर हमारे साथ शामिल हुए, बड़ी अहम गुफ्तगू हुई, कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया, सीपेक पे भी बात हो गई, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पे हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, ये वाला सेगमेंट लाइव वायर का ख़त्म हुआ चाहता है, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जनाब रोहेल इंतखाब साहब हमें एक नए सेगमेंट के अंदर नए मौजू के साथ ज्वाइन करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।